एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। यहां पर एक तरफ एनसीपी टीएमसी जैसी पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खत्म हो गया है, आरएलडी को, बीआरएस को, सबको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। वहीं आम आदमी पार्टी को चार राज्यों में जो जरूरतें होती है आम आदमी पार्टी का दर्जा पाने के लिए, उसमें वो सफल हो गए हैं। और जो चार राज्यों में, दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसने राष्ट्रीय पार्टी होने की जो मांगे हैं पैरा 66B3 में, वो सभी मांगे पूरी हो गई हैं। और इसी वजह से दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में प्रदर्शन की वजह से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। वही अच्छी खबर नहीं है, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, बीआरएस जैसी तमाम पार्टियों के लिए, जिन्हें अब क्षेत्रीय दल ही रहना होगा, आरएलडी भी